19 जून को भाई बर्फबारी हो रही है। कैन यू इमेजिन भाई। यार ये जो है ना फाइनली हम बाबू सर टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे लाइव बर्फबारी हो रही है। बारिश जब ऊपर से आ रही है ना भाई, तो टेम्परेचर माइनस में तो ये जम के आ रही है। अगर आपका आपको मैं दिखाऊँ, अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर सके बारी इस ये बर्फबारी हो रही है, बहुत जो है ना माइनस में टेम्परेचर है। और सबसे बुरी बात कि हम अपनी जैकेट नहीं लेके आए, हम अपने सेफ्टी का सामान नहीं लेके आए। और ये यहाँ पे ज़िपलाइन है, ये आपको ज़िपलाइन दिखाते हैं भाई। ओए ओए क्या सीन है यार, क्या सीन। आप नारायण आए, नारायण सब नारायण के बाद भाई लुल्लू सर झील आए, झील आने के बाद भाई आप बाबू सर टॉप आए। बाबू सर टॉप भाई आप लोगों को सिर्फ गर्मियों में खुलता है 2-4 माह के लिए, सर्दियों में 4-5 माह मुकम्मल तौर पर बंद होता है। गर्मियों में यहाँ पे आए और भाई मज़े उड़ाएं भाई। ओए ओए भाई बहुत सर्दी है, यार मेरे पास सिर्फ ये तौलिया अवेलेबल था, उसके पास हाफ बाजू थी, तो यहाँ पे तकरीबन -5 से -7 टेम्परेचर है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है भाई इतनी ठंड में। हाय हाय मजे आपकी आंखों के सामने भाई, कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है भाई। और हम तो अपनी जैकेट जुकटें भी लाना भूल गए हैं। और भाई ये बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, बर्फबारी स्टार्ट हो गई है यार। ये देखें भाई, तेज़ बर्फबारी है भाई, यहाँ पे तेज़ बर्फबारी है यहाँ, ये तेज़ बर्फबारी आपके सामने भाई बाबू सर टॉप पे तेज़ बर्फबारी। 19 जून को भाई बर्फबारी हो रही है, कैन यू इमेजिन भाई 19 जून को बर्फबारी हो रही है। 600 किलोमीटर सफ़र करने का जो है ना वो मकसद पूरा हो गया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड बाबू सर टॉप और ये सतह समंदर से 13,000 फीट की बुलंदी पे है। और आपने वीडियोस में देखा होगा कि भाई सर आप यहाँ की वीडियो देखते हैं, ये बाबू सर टॉप है भाई 13,700 फीट की बुलंदी पे है। ये हमारे भाई वीडियो बना रहे हैं, ये हमारी बहनें वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ से दूसरे शहरों को कितना कितना भाई वो है, चिनाज यहाँ से 44 है, गिलगित यहाँ से 180 है, गुजरात यहाँ से भाई 384 है। ये हमारे जानवरों ने रजाइयाँ ली हुई हैं और हमने इनके लिए दो दो अंडे मंगवा लिए। मैं अंडा नहीं खाऊंगा क्योंकि भाई मुझे अक्सर जो है ना वो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मैं इसे चिट्टा चिट्टा ही लेकर खाऊंगा ये वाला। वाह हसीब भाई थैंक यू, मैं डालूंगा इसमें भाई सीन है भाई, इसमें ये डालूंगा। ओह वाह एक मिनट, भाई अंडा खाएं सर्दी ना खाएं, क्यों सर्दी ना है ठंड आती है। कोई नहीं मसला इंशाल्लाह, खैर बाबू सर टॉप से उतर रहे हैं यार, यहाँ पे शदीद बर्फबारी हो रही है, शदीद बर्फबारी। जो है ना हम बाबू सर टॉप से तकरीबन 50 किलोमीटर नीचे उतरे, 50 से उतरे भाई, 50 उतरा 30 से 35 अगर मैं ग्रेट हो गया 5,000 मीटर उतरे हैं, 5,000 मीटर उतरे हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं वो पहाड़ियाँ, वो अगर आप देखना चाहें ये जो पहाड़ियाँ ये वाली जहाँ पे बर्फ़ है, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बर्फ़ दिखाई थी और हमने वहाँ पे लाइव बर्फबारी देखी थी, तो ये बर्फ़ है, वहाँ से हम उतरे हैं 50 किलोमीटर नीचे उतरे हैं, तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं भाई।
अभी हम यहाँ पहुँच गए 50 किलोमीटर उतरने के बाद। वहाँ पे दर्जा हरारत तकरीबन -4-5 था और यहाँ पे दर्जा हरारत तकरीबन 35 पे पहुँच चुका है सरगोधे वाला। और हमें तकरीबन 1 घंटे लग गया वहाँ से आते हैं। तो बहुत गर्मी ज्यादा लगी है, 2 घंटे लग गए लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है इधर। ये चिलास का इलाका है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है इधर, याद रखना। ये उनका व्यू दिखाएं भाई, विकास पहाड़ भी काले पहाड़ है ये दिखाएं ना। यहाँ पे आपको कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी, कोई आपको बर्फ नहीं मिलेगी। और अब ये सारे ये जो ये पहाड़ है ना, ये चलास के हैं, कराकरम पे चढ़ने में। और अभी हम तकरीबन 4 किलोमीटर बाद इंशाल्लाह शायरा कराकरम पे चढ़ जाएंगे और वहाँ से फिर हम सीधा भाई शूटो शूट कहाँ जाएंगे, गिलगत। लेकिन बाबू सट आपने भाई मजा करवाया आपको। ये हमारा एक पास आ गया जहाँ पे चिलास 7.5 किलोमीटर है, आस्ट्रो 150 किलोमीटर है, स्कर्दू 249 किलोमीटर है, गिलगत 125 किलोमीटर है, हुंजा 206 किलोमीटर। जी हाँ जी सर, खुजराब 360 किलोमीटर है। तो अभी हमने कहाँ जाना है भाई, गिलगत पहले जाना है, हुंजा जाएंगे। हाँ गिलगत सो जाएंगे, हुंजा सो जाएंगे, उसका फायदा ये होगा सुबह तकरीबन 2 घंटे में खुजराब पहुंच। भाई 206 किलोमीटर है यहाँ से, अगर हम सरगोधा से लाहौर जाएं तो वो इतना सफर बन रहा है 200 किलोमीटर। दस इंशाल्लाह 4 घंटे सफर भी राज्य ना, आपने 80 से 100 के दरमियान जाना है स्पीड पे, आपको तकरीबन 3 घंटे सर भाई। अरे जो है ना, अभी हम गिलगत बल्तिस्तान में इंटर हो चुके हैं और ये इंडस रिवर है, इसको द्रैसिंद भी कहते हैं, द्रैसिंद। ये द्रैसिंद आ गया भाई। अभी आपको एक और बात बताते चले, जब आप वहाँ से बाबूसर से उतर के आप इधर शायक कराकरम पहुँचेंगे ना, तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती होती जाएंगी, उसकी बहुत सस्ती होती जाएंगी। उसकी ये वजह है कि बाबूसर, नारान, कागान और जो है ना लालू सर, वहाँ पे सारे भाई चोर और डाकू बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, आपको चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती जाएंगी। ये बोतल है भाई, वहाँ से हमें 350 की मिली थी और यहाँ पे 190 रुपये की मिली है। और भाई ये लेस दिखाना, ये भाई 150 रुपये के लेज़ हैं और उसने 150 रुपये के दिए हैं, और जो नारान कागान और बाबू सर टाप में ये लेज़ उन्होंने हमें 350 रुपये के दिए थे। तो भाई इस जगह पे चीज़ें सस्ती हैं, तो यहाँ पे आके आप परचेज करें।